हेलो फ्रेंड्स, बहुत दिनों के बाद मैं नया वीडियो लेके आ रहा हूँ। इस कोरोना लॉकडाउन की वजह से मैं बाहर बाहर नहीं जा पाया, इसीलिए आप सभी के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ स्टडी रिलेटेड। तो आइए देखते हैं क्या है। क्लास 11 कॉमर्स चैप्टर 1 मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। आज हम क्लास 11 के पहला चैप्टर को हम डिस्कशन करेंगे। तो अकाउंटिंग, सबसे पहले हम लोगों को ये जानना है अकाउंटिंग क्या होता है। अकाउंटिंग वो होता है जो कोई भी फाइनेंशियल डाटा को ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग के हेल्प से हम लोग लिखते हैं। अकाउंटिंग के हेल्प से हम लोग किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं, उसे हम अकाउंटिंग कहते हैं। सिंपल वर्ड में हम जानेंगे अकाउंटिंग क्या होता है। अकाउंटिंग, आप लोग क्लास 11 में है तो आप लोगों को एकदम पहले से आप लोगों को समझना होगा। तो अकाउंटिंग ये होता है कि कोई भी ट्रांजेक्शन, जैसे कि हम किसी से बिजनेस में किसी से सामान खरीदे या किसी को सामान बेचे, किसी से लिए हैं, कोई हम लोग का क्रेडिटर है, मतलब कि बाकी में कोई सामान लिया है, पैसा नहीं दिया है, ये सब को हम लोग अकाउंटिंग के हेल्प से, अकाउंटिंग जो है वो अकाउंटिंग जो एक प्रिंसिपल होता है, अकाउंटिंग के हेल्प से हम लोग उसको मेंटेन करेंगे, जर्नल एंट्री करेंगे, लेजर करेंगे, उसी को हम लोग अकाउंटिंग कहते हैं। आइए देखते हैं अकाउंटिंग क्या होता है। अकाउंटिंग रेफर्स टू कलेक्टिंग समराइजिंग। अकाउंटिंग रेफर्स टू कलेक्टिंग। कलेक्टिंग मतलब कि किसी भी डाटा को हम लोग कलेक्ट करते हैं। कि किसी से हम लोग कैश में सामान बेचे हैं तो वो एक हम लोग का डाटा हो गया, उस डाटा को हम लोग अकाउंटिंग में डाटा के हेल्प से हम लोग उसको अकाउंटिंग करेंगे, एंट्री करेंगे। उसके बाद अकाउंटिंग समराइजिंग। अकाउंटिंग रेफर्स टू कलेक्टिंग समराइजिंग, फिर उस डाटा को जो हम लोग कलेक्ट किए हैं उसको हम लोग समराइज करेंगे, फिर उसको क्लासिफाइंग करेंगे कि मतलब उसमें आप कैश में कितना बेचे हैं या क्रेडिट में कितना बेचे हैं, उसको हम लोग क्लासिफाई करेंगे। फिर रिपोर्टिंग, फिर उसका एक रिपोर्ट बनाएंगे। रिपोर्ट बनाना का मतलब ये है कि आप उसको कॉपी में या अकाउंटिंग को आप लिखेंगे अकाउंटिंग के हेल्प से, वो जितना भी जो भी आप डाटा जो इकट्ठा किए हैं उसको समराइज और क्लासिफाई करने के बाद उस कौन सा नेचर का वो हो रहा है, मतलब वो कैश का है या क्रेडिट का है, उसका हेल्प वो उसको क्लासिफाई करके आप रिपोर्ट बनाएंगे, मतलब रिपोर्टिंग करेंगे, मतलब कि आप अकाउंटिंग करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द इंफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस, मतलब कि उस बिजनेस का, ये सब हम लोग पढ़ रहे हैं सिर्फ बिजनेस का, और इस बिजनेस के बाहर और कुछ भी चीज का मतलब बिजनेस और प्रोफेशन, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। इन मॉनेटरी टर्म्स, मतलब कि अकाउंटिंग बस मनी टर्म्स में डील करता है और बाहर कोई भी टर्म्स में डील नहीं करता है। फिर आगे हम लोग ये पढ़ेंगे कैरेक्टर स्केच। इसका कैरेक्टर स्केच में पहला ये है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। आर्ट और साइंस कैसे हुआ अकाउंटिंग? अकाउंटिंग आर्ट इसीलिए हुआ क्योंकि देखिए, आप कोई भी सम करते हैं या कुछ भी करते हैं, प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, उसके उसमें आपका एक एफर्ट लगता है, वो एफर्ट आपका जो लगता है उसे कहते हैं आर्ट। आपका उसमें एक आर्ट होता है, आपका बिना कोई एफर्ट का कोई काम नहीं होगा, तो वो आर्ट एज वेल एज साइंस। साइंस साइंस इसीलिए कहा गया है क्योंकि अकाउंटिंग करते समय में हम लोगों को कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल को हम लोगों को फॉलो करना होगा। हम या ये इस वीडियो में ज्यादा अकाउंटिंग टर्म्स यूज नहीं करूंगा क्योंकि आप लोग नए हो, आप लोग समझ में नहीं आएगा क्योंकि 10 के बाद सीधा 11 में आए हो, नया नया वर्ड सुनने मिल रहा होगा, इसीलिए मैं अकाउंटिंग टर्म्स यूज नहीं करूंगा, फाइनेंशियल टर्म्स ये वो। तो साइंस इसीलिए बोलते हैं, देखिए साइंस में आप लोग का होता है केमिकल इक्वेशन जो रहता है उसमें आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिला दो तो वाटर बन जाता है H2O, वैसा आप फिक्स रहता है उसमें, तो इसमें भी कुछ फिक्स रहता है। फिक्स मतलब कि आपको एक सिस्टम से फॉलो करना होता है, वो फॉलो सिस्टम ये है कि अकाउंटिंग का एक प्रिंसिपल होता है, वो प्रिंसिपल को आपको अकाउंटिंग का जो प्रिंसिपल होता है उसको आपको फॉलो करना होता है। तो नेक्स्ट हम लोग आएंगे दूसरा दूसरा कैरेक्टर स्केच में, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। इसमें हम लोग बस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड करते हैं, अलग कोई दूसरा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो उस फाइनेंशियल नेक्स्ट हम लोग आएंगे, इसमें तीसरा लिखा हुआ है रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। वो जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो होता है वो जो मनी टर्म्स में होगा उसी को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कि हम आप लोगों को एग्जाम्पल में बता रहे हैं, जैसे कि ये कोरोना पेंडेमिक चल रहा है तो उसमें आपको ये इसको हम लोग कहीं से भी कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें आप ना आपका सामान बिक रहा है, ना सेल हो रहा है, ना आप कुछ परचेस कर रहे हैं, तो इसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, तो इसको हम
अकाउंटिंग टर्म्स में नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ मनी मतलब कि जैसे कि आपका दुकान में सपोज कोई चोरी हो गया, चोरी हुआ तो आपका उसमें कितना का सामान दुकान में होगा, उस सामान को आप अकाउंट्स का हेल्प से पहले आप उसको अकाउंट करके उसमें आप एंट्री करके रखे होंगे कि इतना का सामान करेंट एसेट था, मतलब कि जो छोटा मोटा जैसे कि राशन दुकान सपोज एक है उसमें हो गया चावल हो गया गेहूं हो गया चिप्स हो गया कुरकुरे हो गया मैगी हो गया ये सब जो हो गया इसको आप रिकॉर्ड करके रखेंगे कि इतना का सामान था। तो आपको इन टर्म्स ऑफ मनी मतलब कि आप वो कैलकुलेट करके रखा तो आप कैलकुलेट देखने से अकाउंट्स देख लेने से आपको पता चल जाएगा कि इतना का लॉस हुआ। तो कोरोना में जो कस्टमर नहीं आ रहा है या आपका सामान बिक नहीं रहा है या आप खरीद नहीं रहे तो उसको आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो आपको इसीलिए यहाँ पे कहा गया है रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी मतलब कि आप मनी के टर्म्स में ही रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है जो आप जो इन टर्म्स ऑफ मनी जो रिकॉर्ड आप किए हैं उसको हम फिर उसके बाद क्या करते हैं क्लासीफाई करते हैं। अकाउंटिंग क्या करता है उसको क्लासीफाई करता है। वो क्लासीफाई कैसे करता है जैसे कि राम ने सपोज 600 रुपीस का सेल किया श्याम को, 600 रुपीस सेल किया, 600 रुपीस सेल टू राम सेल किया श्याम को, सॉरी सेल किया श्याम को, श्याम को सेल किया, उसमें से श्याम 200 रुपीस का सॉरी 200 रुपीस का तीन बार सामान लिया और हर बार वो क्या किया 200 का सामान लेता है और 100 रुपया वो दिया हर बार 100 रुपया दिया। तो टोटल कितना कितने रुपए का सामान लिया 600 रुपीस का और वो दिया कितना 300 रुपीस। तो बच गया इसमें 300 रुपीस उसका बाकी है अभी देना और बाकी है राम को। राम वो इंसान है जिसका ये बिजनेस है सपोज, हाँ तो 300 रुपीस जो देना है उसी को हम समराइज फॉर्म में हम लिख देंगे कि हाँ ये 300 रुपीस क्रेडिट में है, उसी को हम लोग समराइजिंग कहते हैं। इंटरप्रिटेशन नेक्स्ट है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग क्या करेंगे इंटरप्रेट करेंगे कि हम लोग का ये प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, हम लोग को और कितना ग्रो करना है या नहीं करना है उसका हिसाब से अकाउंट को देख के हम लोग इंटरप्रेट करेंगे कि क्या हम लोग का लॉस है या नुकसान है ये वो। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कम्युनिकेशन में ये है कि हम लोग इसके बाद नेक्स्ट डिसीजन ले सकते हैं आगे जाके कि हम लोग को क्या स्टेप लेना है, कहाँ पे हम लोग का वो हो रहा है मतलब कि खामी है बिजनेस में, क्या 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 करने से मतलब कि बिजनेस में आगे ग्रो होगा नहीं होगा ये वो। उसके बाद हम लोग तो अभी आप लोग इसको अच्छे से नोट करना तो नोट कर लीजिए फिर मैं नेक्स्ट पे आता हूँ। आइए अब नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग जो कि ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग है। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग का, पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। हमें कोई ये अकाउंटिंग हमें हेल्प करता है कि सिस्टमेटिक रिकॉर्ड को मतलब कि मेंटेन करने में हम लोगों को हेल्प करता है बिजनेस ट्रांजेक्शन का। और नेक्स्ट हम लोग आते हैं टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। अकाउंटिंग क्या हेल्प करता है हम लोगों को प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने में हेल्प करता है कि हम लोग कितना सामान मतलब इस ईयर में हम लोगों का कितना प्रॉफिट हुआ कितना या फिर कितना लॉस हुआ ये हम लोग को हेल्प करते हैं कैलकुलेट करने में। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग इसमें टू एसर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन। टू हम लोग को अकाउंटिंग हेल्प करते हैं फाइनेंशियल पोजीशन पता करने में। तो आप लोग का मन में आ रहा होगा कि सर ये फाइनेंशियल पोजीशन क्या होता है, तो फाइनेंशियल पोजीशन क्या होता है वेल्थ होता है, किसी भी बिजनेस का वेल्थ को बोलते हैं फाइनेंशियल पोजीशन। वेल्थ वो होता है एकदम इजी वर्ड में आप लोगों को बता रहे हैं कि आपका जो प्रॉपर्टी बिजनेस जैसे कि आप सपोज जॉब कर रहे हैं तो आप लोग पूरा जॉब में जब रिटायरमेंट का टाइम हुआ आप लोगों के पापा का या आप लोगों का तो उस रिटायरमेंट का टाइम में आप कितना लैंड आपका है कितना बिल्डिंग है तो उस टाइम में आपको पता चलता है कि आपका सैलरी मतलब किस पोस्ट में आप अगर हाई पोस्ट में है जॉब में आपको सैलरी ज्यादा मिल रहा है तो आप ज्यादा लैंड वैंड खरीदेंगे गाड़ी वाड़ी खरीदेंगे कहीं पे इन्वेस्ट करेंगे तो वो देख के आप लोगों को पता चल जाता है कि आपका वेल्थ क्या है। तो वही होता है इसमें इस पॉइंट में वही लिखा हुआ है कि टू एसर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन। तो हम लोगों को फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस का पता चलता है ये कितना बड़ा बिजनेस है या कितना छोटा बिजनेस है इसका ग्रो हो रहा है या नहीं ये सब हम लोगों को पता चलता है।
नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, फोर्थ नंबर पॉइंट ये है टू चेक प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस। हम लोगों को पता चलता है प्रोग्रेस, मतलब बिजनेस का प्रोग्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा है, मतलब कि बिजनेस ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है। पहले सपोज 1 लाख रुपीज का एक बिजनेस था, जैसे कि आप सब मिला के, आप एक सपोज मिठाई का शॉप है, उसमें आपका सब मशीनरी टेबल वेबल फ्रिज व्रिज सब कुछ मिला के आपका 1 लाख टोटल, टोटल आपका 1 लाख रुपीज का बिजनेस है। सपोज फिक्स एसेट करंट एसेट प्रॉफिट वॉफिट गुडविल वुडविल सब मिला के, सॉरी मैं फाइनेंशियल टर्म्स यूज नहीं करूंगा, तो मतलब सब कुछ मिला के, मतलब कि आपका जो कैपिटल है, मतलब कि आपका जो बिजनेस का वैल्यू है 1 लाख रुपीज सपोज, वो नेक्स्ट ईयर में अगर 2 लाख हो गया तो उससे आपका पता चलता है प्रोग्रेस हुआ उसमें, मतलब प्रोग्रेस हुआ। अगर 1 लाख का बिजनेस था फिर वो हो गया 80,000 रुपीज में आ गया, मतलब कि वो प्रोग्रेस उसका नहीं हुआ, वो डाउन हो गया बिजनेस। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, फिफ्थ नंबर पॉइंट टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू वेरियस पार्टी। इस वेरियस पार्टी आप लोगों का माइंड में आ रहा होगा ये वेरियस पार्टी से क्या रिलेटेड है इसमें अकाउंटिंग, तो वेरियस पार्टी से ये रिलेटेड, आप कहीं बैंक में जाएंगे, आपका बिजनेस को सपोज लोन लेना होगा या आपको आपको सपोज लोन लेना होगा, तो आप क्या दिखाएंगे, आपका इनकम स्टेटमेंट देखेंगे वो लोग, ऐसे तो किसी को भी लोन नहीं दे सकते हैं। तो आपका जो अकाउंटिंग जो आप किया हुआ रहेगा, अकाउंटिंग जो आपका किया हुआ रहेगा फाइनेंशियल मतलब ईयर का जब एंड होता है, जैसे कि मार्च एंडिंग में सपोज आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा, बैलेंस शीट बनाया होगा, आगे जाके आप लोग को ये सब मिलेगा, बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेजर अकाउंट जर्नल एंट्रीज ये सब आप लोग को आगे जाके मिलेगा। मैं वो सब मैं कोशिश करूंगा वो सब का भी वीडियो बनाने के लिए, आप लोग बस जुड़े रहिए, तो मैं आगे भी वीडियो बनाते रहूंगा। तो मतलब कि जो आप अकाउंटिंग करके जो स्टेटमेंट बनाया होगा वो स्टेटमेंट को देख के ही बैंक वाले आपको लोन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसमें वही लिखा हुआ है इस पॉइंट में टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू वेरियस। तो अभी हम नेक्स्ट टाइप्स में आते हैं, तो पहला टाइप्स ये है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो आप लोगों को 11 12 में बस फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के लिए मिलेगा, मतलब पढ़ने मिलेगा। तो फिर नेक्स्ट आप जब डिग्री करेंगे या मास्टर डिग्री करेंगे तब आप ये 1 2 3 4 टाइप्स आपको डीपली पढ़ने के लिए मतलब मिला जाएगा। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो होता है जो कि फाइनेंस से रिलेटेड रहता है, फाइनेंस से रिलेटेड रहता है, मतलब कि आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, ये जैसे कि आप किसी बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस निकालना होगा, ये सब मतलब कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपको रिकॉर्ड करना होता है, जैसे कि किसी को आप सामान सेल किए या किसी से लिए हैं सामान खरीदे हैं दुकान के लिए, तो आपको ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये कैलकुलेट करना होगा। तो नेक्स्ट आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, सपोज एक पेन, इतना डीपली हम लोग नहीं पढ़ेंगे लेकिन फिर भी मैं समझा दे रहा हूँ, क्योंकि ये आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है एग्जाम में, इसीलिए मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। सपोज एक पेन है उसको हम लोगों को पेन बनाने के लिए कॉस्टिंग पड़ रहा है, सब मिला के लेबर कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल सब कुछ मिला के हम लोगों को कॉस्टिंग पड़ रहा है उस पेन का, सपोज 10 रुपीज कॉस्टिंग आ रहा है, और आप उसको मार्केट में सेल कर रहे हैं 15 रुपीज में सेल करें, तो 5 रुपीज जो होगा ये हम लोग का प्रॉफिट होगा। तो वही है, मतलब आप ये 10 रुपए जो पेन बनाने में लगा, उस पेन बनाने में आपका लेबर कॉस्ट लगेगा, फिर रॉ मटेरियल लगेगा, फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, मशीनरी, अगर मशीन यूज कर रहे हैं तो उसका डिप्रिसिएशन बोलते हैं, मतलब कि उसका डिक्रीजिंग वैल्यू जो होता है, वो सब कॉस्ट इसमें ऐड होके ये 10 रुपीज आपका कॉस्टिंग निकलेगा। इस 10 रुपीज को निकालने में जो जिस अकाउंटिंग का हम लोग यूज करते हैं उसको बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, ये है। फिर नेक्स्ट हम लोग आएंगे टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग क्या होता है, ये इनकम टैक्स से रिलेटेड है, इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स इसमें होता है। तो किसी भी इंसान का इनकम जो होता है तो उसमें जो टैक्स पे करते हैं वो टैक्स किस मेथड से, कौन सा प्रिंसिपल को यूज करके हम लोग कैलकुलेट करेंगे, उस अकाउंटिंग जैसा हम लोग कैलकुलेट करेंगे, जिस प्रिंसिपल को, जिस रूल को फॉलो करके अकाउंटिंग का सेक्शंस को, जो सेक्शंस दिया हुआ रहेगा उस सेक्शन को फॉलो करके जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे अकाउंटिंग करेंगे उसको कहते हैं टैक्स अकाउंटिंग। नेक्स्ट आते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो होता है जो हम लोग मैनेजमेंट करने के लिए, मतलब मैनेज करने के लिए कंपनी या बिजनेस का मैनेज करने के लिए जो अकाउंटिंग हम लोग यूज करते हैं उसे कहते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग।
तो नेक्स्ट आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ये आप लोगों को लग रहा होगा ये क्या अकाउंटिंग होगा, एक नया टर्म से। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग वो होता है जो कि जैसे कि आप सपोज एक आपका इंडस्ट्री है, एक वो इंडस्ट्री जो आपने जो खोला है इंडस्ट्री, उस इंडस्ट्री मतलब कि रॉ मटेरियल जो होता है सब हम लोग का सोशल मतलब सोसाइटी से आता है। उस सोसाइटी को हार्म ना करते हुए, सपोज एक पेपर मेरा एक इंडस्ट्री है सपोज, तो पेपर इंडस्ट्री के लिए क्या चाहिए, बेम्बू चाहिए, ट्रीज चाहिए। तो उस ट्रीज ट्रीज को अगर हम लोग काट के लेके आएंगे कंपनी में अगर पेपर बनाने के लिए, तो वो मतलब नेचर को इफेक्ट हो रहा है उसमें। तो कुछ हम लोग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों का रहता है कि हम लोग एक पेड़ काटेंगे सपोज एक टर्म्स एंड कंडीशन हम लोग मतलब कि कोर्ट में बनाया है, मतलब हम लोग का बिजनेस बनाया हुआ है कि एक पेड़ काटेंगे और 10 पेड़ लगाएंगे एक पेड़ के बदले। तो उस टर्म्स एंड कंडीशन को हम लोग फॉलो करेंगे, तो उस अकाउंटिंग उसे हम लोग अकाउंटिंग मतलब कैसे हम लोग पेड़ को काटेंगे, कैसे मतलब क्या करेंगे, कितना उसमें मतलब कि पेड़ लगाएंगे, उस प्लांट का कॉस्टिंग क्या है, एक पेड़ का क्या कॉस्टिंग आ रहा है, एक पेड़ से हम लोग कितना रॉ मटेरियल मिल रहा है, वो सब अकाउंटिंग जो होता है उसे हम लोग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग कहते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मैं आऊंगा नेक्स्ट वीडियो पे, आगे जर्नल एंट्री लेजर सब कुछ आप लोगों को बताऊंगा। आप लोगों को अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं कमेंट में आप लोगों को क्लियरिफाई कर दूंगा। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर करें। थैंक यू।